मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चुनार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामिया गो तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस व बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर घायल हो गया, जिसका मंडली चिकित्सालय में इलाज जारी है। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज चुनार पुलिस द्वारा मुठभेड़ में एक 25,000 के नामिया बदमाश गोविंद यादव गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। जब इसको सिद्धनाथ दरी के पास गिरफ्तारी के लिए रोका गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और पुलिस ने भी बचाव में फायर किया, जिससे इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और इसका प्राथमिक उपचार चुनाव में कराने के बाद जिला अस्पताल इसको रेफर किया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 3 बंदापुर, एक जिंदा कारतूस, एक और कुआ का कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह एक कुख्यात पशु तस्कर है और लंबे समय से बांछे चल रहा था। हमारे सेंटर में एक पशु तस्कर आया है, उसके पैर में गोली लगी है, क्या मामला है सर? एक पेशेंट हमारे यहाँ चुनार से रिफर होकर आया है गनसाट का, इसके दाएँ पैर में गोली लगी है काफ मौसम में और गोली आर पार हो गई, इंट्यून और इंजीट्यून दोनों है। उम्मीद है कि गोली निकल गई है, आर पार हो गई है और हमारी टीम लगी हुई है, सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन की पूरी टीम लगी हुई है। एक्सरे हो रहा है, एक्सरे के बाद बता पाएंगे गोली अंदर है या नहीं। क्या इसका एक्सरे ट्रामा सेंटर के अंदर हो रहा है? जी, ट्रामा सेंटर में एक्सरे हो रहा है, सारी फैसिलिटीज हमारे पास है, प्रॉपर उपचार हो रहा है उनका, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। अभी क्या स्थिति है इसकी? मरीज स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, बीपी ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई है और कोई खतरे की बात नहीं है, मरीज खतरे से बाहर है।